So he's our editor at Lallantop. You've been the most excited. I mean, the one name that has created most excitement in the young team I have. Really? You're going to Lallantop? I said yes. यहाँ पे आके हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है. आजा वे आजा। आजकल बोलना थोड़ा सा ऐब मान लिया गया है. पहली बार कि कोई बोल रहा है कि बोलती है, चिल्ला नहीं रही है. जब आपको इंस्टाग्राम पर देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं, आपको जो गलत लग रहा है आप उसको गलत कह रही हैं. वो गलत चाहे सलमान खान ने कहा हो, वो गलत चाहे सोनू निगम ने कहा हो, वो गलत चाहे कंगना रनौत ने कहा हो. जब कुछ मन करता है कर लो, बोल दो, आगे देखेंगे. वैसे मैं अपने आप को काफी तोप समझती हूँ. इन लल्लनटॉप लेट मी डिक्लेयर डज इट कंपेयर टू द फैक्ट कि हर 2 साल कभी अरिजीत, कभी मोहन चौहान, कभी राहत फतेह अली खान साहब के बिना निकलेगा ही नहीं साउंड ट्रैक. एक दौर चला था कि राहत टिल नेशनलिज्म केम अप, राइट? सडनली वी ऑल बिकेम अरे राहत. सो ना ये इस वजह से भी है क्या कि ज्यादातर लोग नहीं बोलते हैं बिकॉज ऑफ द बैकलैश, कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आज के तारीख में ये करोगे नहीं तो देन यू कांट बी पार्ट ऑफ द चेंज. लोग जब आपका ओरी चिरैया सुनते हैं, कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन जैसे ही सोना मुंह खोलती है ना, वो पॉलिटिकली या फिर ओवर फेमिनाजी हो जाती है, ओवर फेमिनिज्म की बात करती है. वो रियलिटी बहुत लेट आया दिमाग में कि एवरीवेयर दे आर देयर टू स्टॉप यू. नमस्ते, ये लल्लनटॉप का न्यूज़ रूम है, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का एक और एपिसोड, जिसमें जो हमारी आज की गेस्ट हैं उनका पहला इंट्रो तो यही हो सकता है कि समझदारी के नाम पर जब हमें ज़्यादातर वक्त चुप रहना सिखाया जाता है, तब उन्होंने इसका उलट विकल्प चुना. कई लोगों ने कहा कि अरे ये तो सबसे लड़ती रहती है, पर हमने और हमारी रिसर्च टीम ने जब उनके बारे में पढ़ा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये लड़ती नहीं रहती है, ये हर चीज़ पर जायज़ बात बोलती रहती है. और आजकल बोलना थोड़ा सा ऐब मान लिया गया है, खासकर तब जब आप बहुत सारे पावर सेंटर्स को चैलेंज कर रहे हो. गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज की मेहमान हैं कमाल की सिंगर परफॉर्मर सोना महापात्रा. थैंक यू सो मच फॉर ये पहला था ऐसे. ये बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन सुन के मेरे तो आंख में पानी आ गया. मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि आई एम इमोशनल, और हमेशा लगता है कि आप अपने आप को सेकेंड गेस करो या डिफेंड करो. पहली बार कि कोई बोल रहा है कि बोलती है, चिल्ला नहीं रही है. हाँ, एंड यू मेक सेंस. थैंक यू. आई बिलीव दैट. यस, वी ऑल बिलीव दैट इन दिस न्यूज़ रूम. थैंक यू. यहाँ पे आके हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है कि पता नहीं एक अलग टाइप का हीलिंग मिल गया 30 सेकेंड में. ऑनेस्टली आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड. वैसे मैं इतनी बकबक बेबाक, देखो सेल्फ डिप्रिशिएटरी लैंग्वेज हम सीख ही लेते हैं ताकि लोगों को ना लगे कि अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, तो अपना बताती रहती है कुछ ना कुछ. तो बेबाक हो तो हमेशा आप ये डिफेंसिव भी हो जाते हो और लगता है कि हमेशा अपने आप को एक्सप्लेन करो या बैलेंस करो एंड सेकेंड गेस करो. लेकिन हाँ, आई एम एक्चुअली स्पीचलेस राइट नाउ. डजंट साउंड लाइक आई एम स्पीचलेस, बट चलो, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन. अच्छा, तो सबसे पहले तो जो मुख्य मुद्दा है जिसकी वजह से आप ये टूर कर रही हैं, शट अप सोना, ये ZEE5 पर आ रही है मेरे ख्याल से. हाँ, फर्स्ट जुलाई को ZEE5 पर आ रही है. तो हम सब लोग आपके क्राफ्ट में बहुत अलग अलग दरवाज़ों से, अलग अलग ढंग से दाखिल होते हैं. जैसे हम लोगों ने वो गाना सुना अंबरसरिया, तो वो लूप पे बजता है सबसे ज़्यादा गाना, आई एम श्योर यू नो दैट. और फिर हमने सत्यमेव जयते देखा, तो वो टीवी पे एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे, क्योंकि सबको लगता था कि रियलिटी टीवी में बहुत सारा ड्रामा होना चाहिए और ऐसे बैठ के बातचीत जैसी चीज़ें. तो वो बहुत सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक हुए, सो हम लोग एक दूसरी शख्सियत से मिले. जब हम आपको इंस्टाग्राम पर देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, और इन सब के बीच जो चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा रिमार्केबल लगी, एंड वी वांट टू नो कि कहना आसान है हमारे लिए पर आपके लिए वो बहुत मुश्किल होगा, कि यू आर स्पीकिंग योर माइंड, है ना. आपको जो गलत लग रहा है आप उसको गलत कह रही हैं. वो गलत चाहे सलमान खान ने कहा हो, वो गलत चाहे सोनू निगम ने कहा हो, वो गलत चाहे कंगना रनौत ने कहा हो. पर आपका इनर मैकेनिज्म क्या रहता है व्हेन यू गो, क्योंकि फिर उसके बाद एसिड अटैक की थ्रेट आती है, रेप थ्रेट आती हैं, FIRs होती हैं, तो इतना इम्पोर्टेंटली बहुत बड़ा टीम चलाती हूँ मैं। मैंने हम अपने आप को सिर्फ एक सिंगर कभी नहीं माना है। मैं अपने हाथ से बहुत कुछ बनाती हूँ। आपने म्यूज़िक वीडियोस हमेशा अपने आप ही बनाए हैं। अगर आपने आजा भी जा, मेरा 2006 में जब आया था, राजकुमार राव से लेके बहुत अभी बहुत दिग्गज, ये सब उनको मैंने ऑडिशन किया था FTII में जाके, और खुद लाइन प्रोड्यूस पोहा भी खिलाया था, खुद का मेकअप भी किया था, और वीडियो सेंट्रो कार तभी EMI में था जी, बेच के वो वीडियो बनाया था। तो हमेशा मेरा वो रहा है कि मुझे आई वांट टू सोना। वो महाराष्ट्र जो होता है ना, हिंटरलैंड बोलते हैं, महाराष्ट्र हिंटरलैंड, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी एज एन FMCG सेल्स मार्केटिंग पर्सन, हाँ, मैरिको में। तो वहाँ पे जब औरतों को कभी हायर नहीं करते थे, and you were in sales, yes, and I was the first sales person in Marico, FMCG sales लड़की, ये थोड़ा रेयर कॉम्बो है। और HR ने कहा था कैसे संभालोगे, मैंने कहा भाई मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज जाके आओ और देखो मैं कैसे नहीं संभाल पाऊंगी। मींस भुवनेश्वर, हाँ। तो मेरी ट्रेनिंग रही है टू बी चैलेंज्ड एंड पुश थ्रू। और वो जब वीडियो बनाया था टिल नाउ, अभी शट अप सोना, और कनेक्शन है दीप्ति गुप्ता जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, सिनेमाटोग्राफर रही है इंडिया की पहली, लेकिन ज़्यादा काम नहीं मिला। तो एक पैरेलल रहा है हमारी जर्नी में, दीप्ति और मेरा। तो हमने जब डिसाइड किया कि हमें एक फ़िल्म बनाना है, क्यों बनाना है, एक तो मुझे लगता है कि अभी एक टाइम आ गया है कि हम ना एज वीमेन, वर्ल्ड इज़ गेटिंग बेटर, ये मैं बोलना चाहूँगी, यू नो, परफेक्ट नहीं है, चेंज टाइम लग रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद छीन सकते हो। और अगर मैं बैठी रहूं कि सुंदर कन्या जिम जाके और कोई मेरे लिए वीडियो बनाएगा, मेरा फिल्म बनाएगा, मुझे गाने का चांस देगा, मुझे स्टोरी बनाने का, फीमेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए वैसे भी बैकिंग वैसे है नहीं। और डॉक्यूमेंट्री तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि नारी माने कृषि दर्शन, रूखी रोटी टाइप फिल्म है। मेरा फिल्म काफ़ी मसालेदार है बाय द वे, गाली गलोच है, म्यूज़िकल भी है, एंड जितने थिएट्रिकल्स हुए हैं, मैं खुद ही बोल रही हूँ क्योंकि देयर इज़ नो वन एल्स टू ब्लो माय ट्रम्पेट, आई हैव टू। लोगों ने बहुत मुझे शॉक किया इतना हंस हंस के, तो मुझे लगने लगा मैं स्टैंड अप हूँ या क्या हूँ, बिकॉज आई एम नोन टू बी वेरी इंटेंस। मुझे इनफैक्ट लोग आके बोलते हैं तुम ट्विटर की तरह तो नहीं हो अपने। ऐसे ट्विटर की तरह क्या होता है, आई एम मोर देन 140 कैरेक्टर्स, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस जोक वंस, आई थिंक इट्स अ जोक, बट मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया बदल रहा है और काफ़ी जल्दी बदल रहा है, और उतने अच्छे लोग हैं और आदमी भी बहुत सारे। नॉट ऑल वीमेन आर एंजल्स, नॉट ऑल मेन आर मॉन्स्टर्स। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिट जेंडर, और फिल्म में भी आपको मेरे पार्टनर राम संपत नज़र आएंगे। वो हमेशा खुश नहीं रहते मेरे स्टैंड्स को देख के, क्योंकि उनको भी उनके करियर में भी बहुत अड़चन आते हैं बिकॉज ऑफ मी। मेरे तो आते ही हैं, बट मेरा ये हमेशा रहा, मैं बुलडोज़र टाइप की हूँ थोड़ी, आई थिंक वो बचपन से रहा है कि मैं बोलती हूँ ना एक बीमारी है, जब कुछ मन करता है कर लो, बोल दो, आगे देखेंगे। एंड लोगों को लेकिन इतना भी इतनी सरफिरी नहीं हूँ, कंसिडर्ड होता है अबाउट डिसीजन, मुझे पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस है कि अगर आज के तारीख में ये करोगे नहीं तो देन यू कांट बी पार्ट ऑफ द चेंज। सिर्फ ये बैठ के ना गप्पे मारो कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। सो एट द सेम टाइम ये नहीं कि मैं कोई फुल टाइम एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि बहुत लोग एक्चुअल हार्डवर्क करते हैं ग्राउंड लेवल पे एक्टिविज्म के लिए। मेरा काम है, आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ सिंगर, और इनफैक्ट पिछले 8 महीनों में मैंने सिर्फ गाने बनाने और या म्यूज़िक वीडियोज़ बनाना या अपने आर्ट पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि मुझे लगा जो ये 24 आवर न्यूज़ साइकिल होता है ना, हमेशा उनमें उसमें एंगेज करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी भी जैसे अगर आप बात करो कि पहले जो 2-3 इंटरव्यू हुए, बात हमने म्यूज़िकल जर्नी की कबीर, मीरा, मेरे इंस्पिरेशंस, बहुत कुछ है मेरे फिल्म में और मेरे लाइफ में भी, लेकिन गिन चुन के सबको सलमान खान नज़र आया और वही बार बार हेडलाइन में आ गया। तो मुझे लगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बीइंग माय इंट्रोडक्शन। वो तो एक कुछ था और सिम्बॉलिकली उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं देखती हूँ और बोलती हूँ, आई हैव नो एम्बेरसमेंट इन सेइंग इट, पिछले 5 साल में जब से वो इंसिडेंट हुआ है टिल नाउ, सलमान स्टार हैज़ वेन्ड, ये मैं ओपनली बोलूँ, क्योंकि इंडिया नज़र दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो और कंसिस्टेंटली क्या गलत कर रहे हो। पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है देख रहा है वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और मैं तो एज एन आर्टिस्ट, मुझे कोई बोलता है कि भाई तुमने कंगना के बारे में बोल दिया, इसके बारे में बोल दिया, अरे भाई मैं आर्टिस्ट हूँ. मैं इनफैक्ट उनमें से नहीं हूँ कि एक इकोस चेंबर में रहना चाहती हूँ. सो ना ये इस वजह से भी है क्या कि ज़्यादा लोग नहीं बोलते हैं बिकॉज ऑफ द बैकलैश कॉन्सिक्वेंसेज? हाँ, और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं. आई एम सेइंग दिस क्योंकि सबको एक वर्च्यू सिग्नलिंग का भी एक डिजीज भी चला है. यू नो, कोई मर्द बना रहा है, कोई ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है. मैंने कहा भाई अपने एक्शंस में दिखाओ. आपको जैसे फिल्म में भी आप देखोगे, मैं NH7 जैसे एक म्यूजिक फेस्टिवल है, बहुत ही पॉपुलर है. बिगेस्ट और अल्कोहल कंपनी का स्पॉन्सरशिप है, सब कुछ है. और हमारे दोस्तों ने ही उसको स्टार्ट किया है. पूना, शिलोंग, 6 सिटीज में, गुड़गांव, हर जगह होता है. लेकिन मैं उन यू नो औरतों में से नहीं हूँ. लोगों को एसोसिएशन होता है कि औरतें बड़े सेंटिमेंटल, इमोशनल होते हैं, कर रहे हैं. मैंने कहा मैं तो क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड से आती हूँ. मैंने तो नंबर्स इकट्ठे किए हैं. मैं आपको नंबर से बता सकती हूँ कि हर वीकेंडर में आपका रिप्रेजेंटेशन फीमेल आर्टिस्ट का अगर 4%, 5% रह रहा है, और तभी औरत जाके मेन स्टेज में चढ़ सकती है. अगर वो फिरंगी है, बाहर से आई है, अनुष्का शंकर है, या कोई इमोजन हीप है. यहाँ के देसी फीमेल आर्टिस्ट के लिए आपके लिए एक हेडलाइनिंग स्टेज ही नहीं है. आप यूथ को बता क्या रहे हो कि हम लीडर नहीं बन सकते हैं, हम स्पॉटलाइट में नहीं रह सकते, लेकिन वी वॉन्ट वीमेन फॉर सेल्फीज, फॉर ग्लैमर, फॉर इंस्टाग्राम. क्राउड की डेमोग्राफी अलग होती है. क्राउड तो हम 50% है. तो अगर हम 50% क्राउड में हैं, स्टेज पे 4% क्यों है? तो ये चिल्ला चिल्ला के, ये जो बोलते हैं ना, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है. और मैंने जब भी जर्नलिस्ट को भी, हमारे जितने महिला कनेक्शन है ना, वो मीटू वाली कनेक्शन, मैंने कहा भाई आप मीटू वीटू से तो मुझसे बहुत, यू नो, एवरीबडी हैज, लेकिन आप इस पे भी तो लिखो, क्योंकि जो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन भी जेंडर की है, उससे बहुत कुछ इफेक्ट करता है सोसाइटी में. IIT में हो, IIT बॉम्बे में, हर साल मूड इंडिगो में वो मुझे बुलाते हैं 3 साल तक, अभी तो बंद कर दिया. मैंने उनको 30 ईयर्स का स्टेटिस्टिक्स दिखाया. देखो आप आशा जी और R.D. बर्मन का एक शो को छोड़ के, या एक कोई मेटल बैंड आप नॉर्वे से, क्योंकि फिरंगियाँ तो माफ़ है, उनका कोई जेंडर नहीं, वो कूल है. हमारे लिए आप, हम सिर्फ डेकोरेशन बन के एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ जा सकते हैं, हमारा सोलो स्पेस है नहीं. नहीं, आप राम संपत को लेके आओ. अरे राम संपत स्टेज पे कभी बेचारा चढ़ता नहीं, और स्टूडियो में ज़्यादातर काम करता है. अभी यहाँ पे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, इसमें अगर आप ये छवि हमेशा बार बार नॉर्मलाइज करें कि सेंटर स्टेज में स्वैग लेके सिर्फ आदमी रहेगा, तो दिस इज़ द फ्यूचर CEOs. और मैं आपको बताऊँ सौरभ जी, जैसे मैंने ये चिट्ठी लिखा, वायरल तो हो गया. ट्रोलिंग मुझे सिर्फ लड़कों ने सिर्फ नहीं की, लड़कियों ने भरपूर की IIT की. क्या बोली? तब तो पहले अपना इंस्टीट्यूट का प्राइड रहता है ना, ए तू सुनिधि थोड़ी ना है, मीन्स तू सुनिधि थोड़ी ना है, तेरा वेस्ट लाइन इतना नहीं है, मीन्स दे 100 वेज टू मेक मी फील कि बिकॉज ऑफ विच मैं स्टेज. देखो भाई, गवर्नमेंट के महोत्सव होते हैं जो बड़े बड़े, 2 लाख लोग आते हैं, उसमें मैं सोलो हेडलाइनर बन के जाती हूँ. लेकिन यहाँ पे जो कूल लिबरल स्पेसेस हैं IIT के, वहाँ पे आप ले नहीं पाए. जैसे आपने बताया, तो हो सकता है कोई लेटेस्ट रिसर्च जो हमें पता ना हो, क्या वेस्टलाइन कम ज्यादा होने से वोकल कॉर्ड्स पे असर पड़ता है क्या? नहीं, वो सब मुझे पता नहीं. मैं तो बोलती हूँ, यू नो, मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थी परफॉर्म करने के लिए. यहाँ पे फॉर्चुनेटली जगह मिलता है, वो भी लेडीज कॉलेज में ओनली, मिरांडा कॉलेज, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ ऑडियंसेस में हैं, वहाँ पे वाव तो आपको लड़के ही कर सकते हैं, वही हीरो बन सकते हैं. लेडीज़ कॉलेज में हमको कभी कभी चांस मिल जाता है, तो वहाँ पे जाके लड़के भी आते हैं, लेडीज़ कॉलेज भी, नो लड़के तो बहुत आते हैं वहाँ पे, बहुत ग्लैमर है. आई स्टार्ट द शो बाय सेइंग बिग बेली बिग वॉइस. इतना फिजिक्स ने तो पढ़ाया ना इतना हमको, कि रेजोनेशन तो यहाँ से आता है. आई कैन फिल अप अ स्टेडियम विथ माई वॉइस. कभी कभी माइक्रोफोन की भी ज़रूरत नहीं है, आई कैन स्क्रीम माई हार्ट आउट. तो आफ्टर दिस IIT इंसिडेंट मैं आपको बताऊँ, सबसे मैंने हार्ट ब्रेकिंग बात ये थी, एक तो लड़कियों ने जो कहा, बिकॉज मैं समझ पाती हूँ कि समटाइम्स आप एक जोश में जा रहे हो कि अपना इंस्टीट्यूट का वो, प्लस मिनियंस ऑफ पेट्रियार्की भी हर जगह रहती हैं, जैसे मैंने देखा है, दे हैव टू टो द लाइन. लेकिन फेसबुक में बहुत सारे पोस्ट आने लगे ऑफ CEOs ऑफ कंपनीज जो एक्स IIT के, माने एलुमनाई. ये महापात्रा जैसे औरत को छूट दो, तो हमारा दुनिया ही उल्टा हो जाएगा. मीन्स दे वर कर्सिंग मी फेमिनाजी पता नहीं क्या, एंड दीज आर सीनियर पीपल. मैं सोच रही हूँ ये अगर कंपनी चला रहे हैं, उनके 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, इनका माइंडसेट ये है कि वो मुझे इक्वलिटी कैसे होगी. तो ऑब्वियसली वो ऐसे कॉलेज से आए जहाँ पे उन्होंने औरतों को आइदर ऑब्जेक्टिफाई किया है या उनको जोक मारे हैं कि द ओनली वीमेन इन IIT आर हाफ मेन. मैं भी खुद इंजीनियर हूँ, मुझे भी वो जोक्स पता है कि जो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं वो औरतें भी नहीं रहते हैं. सो वी हैव सो मेनी वेज ऑफ बीइंग मेड टू फील लेसर कि एक लैंग्वेज आप सीख जाते हो, कि आप थोड़ा बीच में आप खुद पे मजाक कर लो, सेल्फ डिप्रिशिएट कर लो, ताकि लोगों को ये ना लगे कि वैसे मैं अपने आप को काफ़ी तोप समझती हूँ इन लल्लनटॉप, लेट मी डिक्लेयर. हाँ, और मैंने कहा कि भाई आप मत दो. ऐसे क्यों है कि फुकरे जैसे फिल्म में जहाँ पे इतने इंटरेस्टिंग फीमेल कैरेक्टर्स हैं, बोली जैसे विलेन है रिचा चड्डा, उनके लिए गाना बन नहीं रहा है. 3 लड़के हैं, उन पे ही गाने बने जा रहे हैं और वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं. एंड में घसीट के हमने अंबरसरिया बनाया, ओवरनाइट दिया अंबरसरिया की एक तो फीमेल गाना डालो. ओरिजिनल उसमें नहीं था, जो बिल्कुल नहीं था, उसकी ही वीडियो नहीं है. आपने देखी हर फुकरे वन में वीडियोज बनाए, जो वीडियोज जिसपे बनते हैं वो गाने प्रमोट होते हैं. हमारा गाना जो कि रिप्राइज, एक बैकग्राउंड, एक रिप्लाई टाइप का को मर्ज करके और फिर हाँ, तो एक मोन्टाज एंड में चौथा गाना वो रिलीज हुआ. अभी तक पार्ट 2, पार्ट 3 हर पार्ट में वो जाएगा. और उसी साल अरिजीत का गाना रिलीज हुआ था. ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, वंस इन अ लाइफ टाइम. अरिजीत जैसे आर्टिस्ट हर जनरेशन में आता है, जैसे वो किशोर है हमारे उसके ना वन मेन स्ट्रीम वॉइस. ये मैं कहूँ तबला बजाते हैं, वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग. लेकिन तबला हाँ वो सीखे हुए आर्टिस्ट है उस सब में. लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि उस साल में तुम ही हो रिलीज़ हुआ, उन्होंने 500 गाने गा लिए उस साल में, और हर साउंड ट्रैक में कभी कभी 4 गाने, 5 गानों में से 4 गाने उनके आवाज़ में. मैंने अंबरसरिया गाया और मुझे पता है कितने करोड़ कमाए, क्योंकि हमको वो अवार्ड भी आ गया था. 12 करोड़ एक गाना जब कमा रहा है तो आ गया था बॉक्स ऑफिस इंडिया से, बिग सॉन्ग. लेकिन मुझे मेन स्ट्रीम फिल्म में 5 साल बाद दूसरा गाना मिला, 5 साल बाद, नैना. तो मैं ये सोचूँ, अभी तो मैंने प्रूव भी किया कि हिट गाना गा सकती हूँ, जो प्रमोटेड भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा हो गया. लॉजिक क्या देते हैं सोना? बोलते होंगे एक तो कि आपकी आवाज का टेक्सचर कुछ नहीं. अगर कुछ नहीं. मैं गिनती करती हूँ, मुझे लगा इतने टैलेंटेड फीमेल आर्टिस्ट हैं, और अगर 100 मेन स्ट्रीम गानों में से सिर्फ 8 गानों में फीमेल वॉइस है, और ऐसे कल्चर में जहाँ पे लता और आशा जी के बिना गाने नहीं निकलते, मैंने फिल्म नहीं निकलती थी. वी हैव रिग्रेस्ड एज वी हैव प्रोग्रेस्ड. क्योंकि अभी जो वो जो देर आर एक्सेप्शंस, भंसाली जैसे एक्सेप्शन है, उनके साउंड ट्रैक में आपको बैलेंस नजर आएगा, न्यू सिंगर्स भी आएंगे, स्क्रिप्ट में भी नजर आएगा. हाँ, लेकिन एक भंसाली से थोड़ा ना इंडस्ट्री बनता है. इट हैज बिकम आई थिंक इलिटरेट एज वी गो. पहले प्रोग्रेसिव राइटर्स होते थे, पोएट्री होती थी, एक नीड होता था सोशल चेंज लाने के लिए, टू मेक अ डिफरेंस इन द समाज. अभी तो इट्स ऑल मनी एंड द बिलीफ इज कि भाई टेस्टोस्टेरोन से पैसा बनता है, और ये बिलीफ आप नॉर्मलाइज कर रहे हो. एंड आई थिंक वो अभी हमारे हाथ में. वैसे ब्रांड्स भी देखो, कॉर्पोरेट्स भी देखो, बोलने के लिए बहुत सारे एड्स बन जाएंगे, यू नो, विद द थीम ऑफ फेमिनिज्म एंड औरत गाड़ी चला रही है और इतनी वो के ना. लेकिन मुझे पता है कि जब मुझे इंडिपेंडेंट अपने गाने के लिए सपोर्ट चाहिए, या एक फेस्टिवल बनाना है, इफ इट इज़ अ फीमेल थिंग बैकिंग इट, कोई ब्रांड नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं डालेगा. तो ये जो, जबकि जैसे खासतौर पे आपकी अगर हम बात करें FMCG की बैकग्राउंड है, उसमें तो इस चीज़ पे बहुत जोर देते हैं कि फीमेल कंज्यूमर, व्हाट डू दे थिंक, उनका बिहेवियरल पैटर्न क्या होगा, बाइंग के लिए है इनसाइट्स. हाँ, और उसके लिए भी मतलब वॉशिंग मशीन बेचनी है तो एक मेल बेचे और मेल की आवाज़ में बेचे. हाँ, क्योंकि हाँ, बाय द वे ये मेरी विवाद होती थी हमारे ब्रांड के ही मीटिंग्स में कि हर वॉइस ओवर मेल क्यों है. हम तेल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, और ज़्यादातर हम औरतों को ही सुंदर नारी दिखा रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, ला 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 कर रहे हैं, लेकिन एंड में आके आदमी बोला यू डो डो डो. तो ये बोलते थे कि वॉइस ऑफ अथॉरिटी तो आदमी ही है, वही आपको बोलेगा, तभी आपको लगेगा कि मैं जाके अपने पैसा खर्च करूँ. तो एक ललिता जी वॉज अ कंप्लीट यू नो टैंजेंट टू दैट. एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं. अभी मैंने एक इंटरव्यू का किया तो लंदन का वो एक बंदा था देसी, वो मुझे पूछ रहा है आप ऐसे बोलते हो लेकिन नेहा कक्कड़ तो बहुत सारे हैं. अरे एक नेहा कक्कड़ या एक सुनिधि और श्रेया जो 20 इयर्स पहले से गा रहे हैं, यू नो, डज इट कंपेयर टू द फैक्ट कि हर 2 साल कभी अरिजीत, कभी मोहन चौहान, कभी राहत फतेह अली खान साहब के बिना निकलेगा ही नहीं साउंड ट्रैक. एक दौर चला था कि राहत 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 टिल नेशनलिज्म केम अप, राइट. Suddenly we all became. अरे रात तो शादियां होती हैं इंडियन सबसे रिच शादियों में राहत जी अभी भी गाते हैं लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग इंडिया में नहीं गा सकते. यहाँ पे बहुत नेशनलिस्ट और वोक रहते हैं, वहाँ पे जाके शादियां होती हैं और आई ऑब्वियसली वो ग्लोबल सिटीजन हो जाते हैं. हाँ और वहाँ पे मुझे नहीं बुलाया जाएगा. वैसे मैं आजकल शादियों में गा रही हूँ, लेट मी प्लग इट इन. यस बट हाँ आई जस्ट थिंक कि वैसे बहुत कुछ बदल भी रहा है कि मेरे जैसे लोग कुछ भी बोल लेते हैं एंड वी आर सर्वाइविंग, वी आर थ्राइविंग. Yes. फिल्म भी बनाया, नेशनल अवार्ड भी बना एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज बिग फेस्टिवल्स ना जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स थे न्यूयॉर्क, टोरंटो, शेफील्ड, वो तो लोगों को लगा कि हाँ इतना कूल फिल्म में मिल जाएगा. बट जब नेशनल अवार्ड मिला लोगों ने कहा भाई ये यहाँ है या वहाँ है. एंड आई एम लाइक मैं कहाँ के नहीं हूँ, आई एम एन इशू बेस्ड आर्टिस्ट, आई कैन कॉल आउट एनी बडी वेन एवर आई वॉन्ट. मुझे लगता है कि एक इको चैम्बर में ग्रुप थिंक मेरा नहीं है. एंड अल्टीमेटली ZEE5 इज रिलीजिंग द फिल्म, उनका बिलीफ है. और ये फिल्म 2 साल पहले बन चुकी थी. नहीं किसमें अवार्ड मिला इसको? हाँ, बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड लास्ट ईयर मिला. पैंडेमिक के पहले भी रिलीज्ड इट, मैंने जैसे शुरुआत हो रही थी और बहुत सारे फेस्टिवल्स किए. रिलीज अभी हुआ बिकॉज हम लोग सोच रहे थे कि करेक्ट टाइम में रिलीज भी होना चाहिए. सो हाँ We'll come back to the film. And इससे पहले कि मैं ये जो बहुत सारे उत्साही नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं, पर आज ना सब लोग बिल्कुल वैसे GIC GGIC वाले में बैठे हैं. गर्ल्स विंग यहाँ है, बॉयज विंग यहाँ है. ऐसा ये कॉन्शियसली है या ऐसे ही हो गया? अच्छा हमारे वो तुम लोग फर्जी उसमें आ गए क्या, जेंटलमैन वाले की सब लड़कियों को कुर्सी दे दो टाइप का है? वैसा तो कुछ नहीं है ना? हाँ पक्का. अच्छा आज तो मुझे वैसे भी सुबह सुबह बहुत अच्छा ज्ञान मिला है. मुझे मिला कि तुम्हें मिला वो ज्ञान? नहीं मुझे कोई ज्ञान नहीं. इधर आओ, कम है. ये गरिमा है, ये हमारी स्पोर्ट्स एंकर है. हाय हाय. तो ये तैयार होने जा रही थी, इनके हाथ में कुछ, मैंने कहा ये क्या है, ऐसी डंडी सी थी कोई. हाँ. तो क्या था वो? लिप शेड था. लिप शेड था कि लिपस्टिक था? मतलब लिप शेड भी तो कहते हैं ना, लिप शेड, लिपस्टिक. अरे बाबा मैं तो जानना चाह रहा हूँ इसलिए. तो क्या फिर क्या तय हुआ, जूरी ने क्या तय किया, लिप शेड या लिपस्टिक? लिपस्टिक. फर्क क्या होता है? क्या फर्क होता है? ये तो आई गेस लाइफस्टाइल वाले ज्यादा, लाइफस्टाइल वाली गर्ल में ज्यादा बेटर. अच्छा बताइए क्या फर्क होता है? आई डोंट थिंक कि कोई फर्क होता है. लिप शेड बोल दो, लिपस्टिक बोल दो, मतलब मैं किसी भी लिपस्टिक को लिपस्टिक बोल सकते हैं. करेक्ट. उसका शेड इज लिप शेड ना, वो जिस कलर की है दैट इज लिप शेड. दिस हाउ वी आर, वी लर्न एवरी डे, है ना? तो शुरू करें सवाल. हां जी हां तैयार बैठे एकदम. ये जीशा है. Tell us about your jacket. इस कोई कहानी है उसके पीछे? बहुत सारी जैकेट. और भी कोई पूछना चाह रहा था? हैं शूज, शूज कुछ तो there's a lot. मतलब एक हमने इतना भोकाल बना दिया कि सब बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं. आपकी जर्नी पे, मीरा पे, कबीर पे, सूफिज्म पे आएंगे, लेकिन अच्छी बात है, रियल भी है. क्वेश्चन है ये, मुझे बहुत मजा आ रहा है बताने में. बिल्कुल. एक तो टू स्टार्ट विथ जूते, जूते कंफर्टेबल होने चाहिए. हाँ. नारी हो या पुरुष, ये क्यों है कि हम ऐसे करके चले और बैक एक लेके, और नॉट बिकॉज आई एम ओनली टॉल, वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है भाई खड़ा तो मुझे भी ऐसे होना है, जंप भी मुझे मारना है, तो आई शुड वेयर कंफर्टेबल शूज़. और मुझे लगता है जो कपड़े पहनो ना वो आपको एक्सप्रेस, एक मैं आर्टिस्ट हूँ. Yes. आज मैंने वैसे मेरी बिंदी नहीं पहनी है, ट्रेडमार्क छोटी सी, मुझे लगा कि देसी इतना कूल है या नहीं पता नहीं, बट हाँ. अरे भयानक कूल, हमारा तो नाम ही लल्लनटॉप है, हमसे ज्यादा देसी कौन होगा. तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं कुछ भी पहनूं, एक हमेशा एक देसी एलिमेंट रहता है. रूबी के झोले में होगी ना बिंदी, हमारे पास पहना दो भाई, क्योंकि हाँ जी हाँ जी, क्योंकि और ये जो लाल रंग है ना जी, और लल्लनटॉप और लाल, तो ये भी कनेक्शन मिल गया. लेकिन लाल रंग जो है मेरा बहुत ही एक, इफ यू हैव द पेशेंस, मैं आप छोटा सा एक स्टोरी आपको बताना प्लीज. वी हैव ऑल द पेशेंस इन द वर्ल्ड. मैं जब मैंने अपनी जब पहली नौकरी की थी ना FMCG वाली, साबुन तेल वाली, मुझे यहाँ पे एक हाँ MBA के बाद यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन पे भेजा गया था. वेरी सिंपल की औरत है, एंड इट वॉज लेटर आई रियलाइज बहुत डेंजरस भी हो सकता था बिकॉज बिजनेस में बहुत कुछ होता है. फॉर्च्यून या कुछ तब तेल आया था और हम तब तेल बेचने वाले कंपनी में थे, तो मुझे भेजा गया था कि तुम होलसेल मार्केट का यहाँ पे रिव्यू करना. और मैं गंदे गंदे दिल्ली में. अच्छा. तो मैं बिल्कुल जैसे नॉर्थ दिल्ली ये वो बहुत अंदर अंदर जाके होलसेल मार्केट में खबरें इकट्ठे करती थी ऑफ द तेल का प्राइस, दिस एंड दैट. एंड बाद में पता चला कि इट इज़ नॉट अ वेरी सेफ थिंग टू डू, बिकॉज वो धंधा जो एट ग्राउंड लेवल होता है अगर उनको पता चले मैरिको के, और तब अडानी एंड वो सेटअप कर रहे थे, तो कुछ एनीवे एस्पियोनाज में थी मैं, एफएमसीजी है एस्पियोनाज, सोना महापात्रा जासूस बिल्कुल। और लेकिन एक बहुत अच्छी उससे एक निकली, ठंड का मौसम था दिल्ली में, मैं गेस्ट हाउस में रहती थी, वी कुड नॉट अफोर्ड होटल्स एंड ऑल ऑब्वियसली, मैंने स्टार्टिंग माई करियर, वहाँ पे बहुत ट्रैवलर्स आते थे, तो कॉमन बाथरूम ये वो, बट वेरी, मैंने ऐसे चूज़ किया था कि मुझे ना कहानियाँ सुनने की और बताने की बहुत शौक है। तो एक बंदा था जो आई थिंक बेल्जियम से था या कहाँ से था, वो कारपेट का बिजनेस करता था, तो ही हैड मेड द ट्रिप फ्रॉम अफगानिस्तान एंड, मैं दिल्ली में बैठ के एक ठंड के, और नो टेलीविजन, हाँ नो टेलीविजन, विच इज़ अ बिग हेल्प, हाँ। तो वो कहानी बता रहा था कि वो जहाँ से आया था ना, वो अफ़गानिस्तान वो वाले बॉर्डर में, वहाँ पे तालिबान आ चुका था, और सडनली जहाँ पे इतना म्यूज़िक, गाना बजाना, दे हैव अ वेरी पावरफुल म्यूज़िकल कल्चर देयर, और बहुत जैसे बालूचिस्तान में बहुत ही सुंदर म्यूज़िक, लेकिन सडनली ओवरनाइट तालिबान आए, उन्होंने कहा म्यूज़िक है हराम एंड बैंड, तो सब औरतों को हिजाब में पहना के घर पे बैठा दिया काला। सो सडनली वो जैसे डिस्क्राइब कर रहा था, मेरे आंख में आ रहा था कि ये देयर इज़ अ सी ऑफ ब्लैक, और इस सब में एक औरत है जो लाल पोशाक पहन के, दरगाह है वहाँ पे, वो नाचती गाती झूमती है, और कोई भी आता है तो एक शी कैरीज अ क्लब जिसमें नेल्स पिटे हुए हैं, यू नो, और वो छड़ी लगाती है, अगर सो शी डज हर ओन थिंग। तो मेरे दिमाग में ये 20 साल पुरानी बात है, आई थिंक यस क्लोज टू 20 years, दैट सी ऑफ ब्लैक, और एक औरत लाल में डिफाइंट अपना कर रही है, गा रही है, नाच रही है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो जैसे कुछ सालों बाद ये फेसबुक और इंस्टाग्राम बना मेरा पेज, मेरा हर जगह मॉनिकर होता था, माने नाम होता था लाल परी मस्तानी। तो ये लाल परी और ये लाल रंग, चाहे वो हमारे कुक स्टूडियो का एपिसोड है देवी, मैंने लड़कों को भी काजल पहनाया, सब म्यूजिशियंस को, सबको लाल, मैंने वो एक रंग है, इट इज़ कनेक्टेड टू लॉट इन माई लाइफ, तो दैट इज़ अ रीज़न फॉर दिस रेड। प्लस मैं थोड़ी पागल हूँ, मुझे अकेले सोलो ट्रिपिंग का बहुत शौक है, मुझे, मैं तो हर ऐसे लड़का लड़की को बोलूँ कि ये ग्रुप में या रोमांटिक पार्टनर के साथ कुछ ट्रिप लो, फैमिली के साथ जाओ, लेकिन अकेले ज़रूर जाओ, यू नो, एवरी नाउ एंड देन। मैं तो, मुझे तो मम्मी पापा, मैं तो अपने हनीमून पे भी अकेले गई थी, इट इज़ अ ट्रूथ, क्योंकि कुछ हुआ था कि राम आ नहीं पाया, कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात हुई थी, सब पैसे गायब हो गए थे, वी हैड बीन एम्बेजल्ड, इसलिए मुझे रह के अपना पैसा कमाना है। पैसे गायब हो गए थे, हाँ, वो एक बहुत पुरानी बात है। एंड उसने कहा कि तुम्हारी सेविंग्स है, हमने ही सब डिसाइड किया था, शादी भी एक साथ शेयर करके करेंगे खर्चा, और जाएंगे भी कहीं पे तो शेयर करेंगे। उसके पैसे थे नहीं, वो सबसे सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूसर था, लाखों में कमाता था, लेकिन ही हैड नो मनी। तो आई वेंट अलोन एंड हिचहाइक किया मैंने यूरोप में, और वहाँ की स्टोरी अलग है, बट वो एक रह गया। तो मेरे पापा मम्मी बोलते थे पता नहीं इसकी शादी शायद 2 साल भी नहीं चलेगी, बट अगर आप फिल्म में देखो, राम बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरे फिल्म के, बाय द वे, और उनको पता भी नहीं चला कि हमने उनको शूट किया, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे से ऑपोजिट है। मीडिया इवेंट में जाते हैं तो माने पिलर के पीछे छिप जाएंगे, ही डजंट लाइक टू बी इन द फ्रंट ऑफ थिंग्स। लेकिन फिल्म में हमारी बहुत बहस भी होती है और एक नेविगेशन भी चलती है उनके साथ, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ और मेरे नॉट नेसेसरली मिलते हैं पॉलिटिकली, जेंडर पे अग्री करते हैं, लेकिन काफ़ी बहस भी होती है। बट अल्टीमेटली ये जो रेड कलर है हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। रग रग लाली प्यार दी लाल परी मस्तानी, मस्तानी है मस्तानी है यार दी लाल परी मस्तानी, तन मन इश्क लपेट के लाल परी मस्तानी, सपनों वाजा मार दी लाल परी मस्तानी, लाल लालनी ओहो लाल लालनी। नॉर्मली वुड हैव अ बेटर एनर्जी। अभी कोविड ना, एक सब बोल रहे मामूली फ्लू है, मामूली है नहीं, 4 दिन पहले ही नेगेटिव आया है, एक तो हवा निकाल दिया है फ्रॉम द या। बट व्हाट वाज आई सेइंग, द कलर रेड, माय जैकेट एंड शूज, एवरीथिंग इज कस्टम मेड, मुझे लगता है कि चाहे वो अभी आई कैन अफोर्ड डिज़ाइनर्स एंड वॉट एवर, लेकिन वो जो टेलर में जाके एग्जैक्ट स्टिच करो, कस्टमाइज़ करो, बोलो यहाँ पे एक फूल डाल दो, वहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी डाल दो, मुझे अभी भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। कैची की क्या कहानी है? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, दैट इज़ फॉर यू टू इंटरप्रेट। क्योंकि जितने गाने भी मेरे हैं, मेरा एक गाना जो बहुत लोगों को बहुत पसंद है, अभी नहीं आना, लोगों को लगता है लड़कियों ने सुना है, लड़के चुप हैं। नहीं नहीं, लड़कों ने भी सुना होगा। अभी नहीं आना सजना, अभी नहीं आना सजना, अभी नहीं आना सजना, मोहे थोड़ा मरने ते इंतजार करने दे, अभी नहीं आना, भेजियो संदेशा आप नहीं आना, जरा दूर रह के मोहे तड़पाना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ लोगों को लगता है कि लव सॉन्ग है, वो विरह का गाना है, कुछ लोगों को लगता है कि अकेलेपन में भी मज़ा है, इंतज़ार का सेलिब्रेशन है, एंड इट्स ओके बीइंग अलोन। ऑनेस्टली आई फील हमेशा कोई साथ में रहे नॉट नेसेसरी। तो गानों में बहुत लेयर्स होते हैं, और इनफैक्ट मेरा जो पहला गाना है शट अप सोना का, अभी कल रिलीज़ होने वाला है, बिकॉज दिस सॉन्ग, दिस फिल्म ऑल्सो हैज़ अ म्यूजिक एल्बम। तो बहुत लोगों को ऑल ओरिजिनल्स मतलब वो पहली मर्तबा आएंगे सर। हाँ हाँ, नहीं कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, खुसरो का कलाम है, मैंने लाइव परफॉर्म किया है, लेकिन वो फॉर्मेट अलग था, पहली बार फिल्म में आएगा। Okay. तो मेरा ही गाना है, किसी का रीमिक्स नहीं कर रही हूँ। तो आई सेड आई मस्ट पुट आउट समथिंग जो रिकरिंग मोटिव है फिल्म में, इट हैज़ लॉट ऑफ मीनिंग बिहाइंड इट। तो है लाल परी मस्तानी, तो एक ओरिजिनल ही है, और एक शिव शक्ति का गाना है जो मेरा खुद का कॉम्पोजिशन है, जो मैं हर शो के शुरुआत में गाती हूँ। बहुत बार ऐसे प्रेशर होता है कि मैं जहाँ से आती हूँ, जिस इंडस्ट्री से आती हूँ, कि ट्राई एंड बी लाइक अ पॉप स्टार फ्रॉम द वेस्ट, सीक्वेंट कपड़े पहनो, एक टाइप, यू नो देयर इज़ अ सर्टन स्टाइलिंग। मुझे तो लगता है देसी इज़ द ट्रू कूल। मैं कभी साड़ी पहन लेती हूँ, कभी बेल्ट डाल देती हूँ, बेल्ट, आई मीन आई डोंट लाइक टू प्रेडिक्ट कि क्या पहनूं, लेकिन मुझे बियॉन्से या वो बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट बहुत मजा आता है। और आपके स्टाइलिस्ट भी रहते होंगे या कैसे? नहीं, मैं खुद करती हूँ अपना। अच्छा। आई हैव चोजन, क्योंकि एक साल जब मैंने स्टाइलिस्ट रखा था, मेरा पूरा स्टाइल ही बिगाड़ दिया उसने। चाहे उस, आई थिंक मुझे ज़्यादा पैसे मिले होंगे उस साल में, बिकॉज सडनली मैं कन्वेंशनल, प्रिटी, हील्स, टिकटॉक लग रही थी, बट मुझे इतना अनकंफर्टेबल लगने लगा कि आई सेड भाई लॉन्ग टर्म ब्रांड तो तभी बनेगा जब आप अपना करो, यूनिक कुछ करो। ये ज़रा इस चीज़ पर गौर करिए बिफोर वी फाइनली मूव टू अनदर क्वेश्चन, कि ये क्योंकि हम लोग अपने घर में भी बातचीत करते हैं, आप सुंदर दिखिए वो आपका हक है, पर अपने कंफर्ट का खूब ख्याल रखिए एकदम। yes. बिल्कुल एकदम। लगता है कई बार शरीर के ऊपर धर के लड़कों ने या लड़कियों ने कपड़े सिलवा लिए, और जूते सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। बिल्कुल स्पोर्ट शूज़ पहन के शादियों में जाओ, बढ़िया बनारसी पहन, मैंने बनारसी पहनो और नीचे बिंदास जूते पहनो। मैं भी ये पहनती हूँ। अभी शादी पे बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग था, और वाइट पिटी शूज़, घाघरा चोली एंड जंप। ये डांस करने में भी अच्छा रहता है। बिल्कुल, और घुटनों पे एवरीथिंग। जो एडी से करे प्यार वो स्पोर्ट शूज से कैसे करे इनका। सॉरी दैट वाज चीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आप तारा कौन है? आपके लॉकेट पे तारा लिखा है। मेरी माँ। ओके। हाँ, एंड आई थिंक दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस। थोड़ा अपने परिवार के बारे में अगर आप बताएं। फौजी बच्चा वैसे तो बहुत ही प्रोग्रेसिव लिबरल सराउंडिंग्स, लेकिन ओडिशा की हूँ, एक इट्स अ कंजर्वेटिव कंडीशनिंग। पापा मम्मी ने वैसे बहुत तोप चीज़ की थी, इलोप करके शादी की थी, लेकिन वो छुपा के रखी थी अपने बच्चों से कि भाई ये ना बिगड़ जाए। अच्छा, उन्होंने? हाँ हमको बताया गया था नहीं नहीं ये तो ब्राह्मण ब्राह्मण है, पता नहीं क्या बता, मैंने कहा ब्राह्मण ब्राह्मण से क्या मतलब होता है। तो ये जो ना डीप सबलिमिनल जो कंडीशनिंग आती है कि दादी माँ बता रही है कि एक्चुअली कुछ नहीं, उनका अरेंज ही हुआ था क्योंकि दोनों ब्राह्मण हैं, वैसे इंटरकास्ट तो नहीं हुआ, वैसे कास्ट, दैट इज व्हेन यू लर्न योर फर्स्ट लेसन ऑफ कास्ट क्या होता है, ये जात क्या होता है। इनफैक्ट जिस हद तक मैं जब तक इंजीनियरिंग पहुंची, फर्स्ट ईयर मैंने भुवनेश्वर में की, फर्स्ट ईयर में खबर फैल गई, मैं समझ आपको समझाना पड़ेगा, मैकेनिकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे उनको डिपार्टमेंट में बुला के बताते हैं महापात्रा आई है, गोरी भी है, शाइनी बाल भी हैं, ब्राह्मण भी है, तो अच्छी लड़की पोटेंशियल आ गई ये कैंडिडेट। मैंने कहा ब्राह्मण भी है, एंड लकीली तब तक तो हम जहाँ से आए थे ये कभी बात नहीं होती थी, वी वर रियली दैट वे अमेजिंग दिस थिंग फौज में। आई मीन यू हार्डली डिस्कस कास्ट, कभी भी नहीं, कास्ट भी नहीं, कहाँ से, ये everybody is like having a ball. Regiment क्या है, unit क्या है, वो वाला रहता है. That is different. तो basically, लेकिन घर में जो एक cues आते हैं ना कि मम्मी भी पढ़ी लिखी है, national scholar है, physics post graduate है, नौकरी करती है because middle class salary में you need to pay packets, तीन बच्चे हैं, नौकरी करती है, लेकिन वो 4 बजे उठेगी, सबके लिए खाना बनाएगी, पैक करेगी, डिनर बनाएगी, in-laws का भी ख्याल रखेगी, गेस्ट आएंगे तो दावतें भी वही बनाएंगी, स्टार्टर्स भी, और स्टाइल बड़े हैं अपने फौज में कि 4 स्टार्टर्स आ रहे हैं, कैंडल्स लग रहे हैं, लेकिन मम्मी सब कुछ कर रही है, हो कुशन कौन सा, यस, तो वो सब है। लेकिन द अमाउंट आई हैव सीन माय मदर वर्क ना कि 3 जिंदगी की मेहनत एक जिंदगी में, उसमें पापा के भाई के वाइफ जो है वो गुजर गई, तो उनके 2 लड़के भी हमारे पास आ गए, और लोग बोल रहे हैं कि अरे तारा बहुत लकी है भाई, 3 बेटियाँ थी, अभी 2 लड़के मुफ्त में आ गए। मैंने कहा नहीं चाहिए भैया, आप अपने लड़कों को लेके जाओ, सब कुछ बंट जा रहा है घर में। मुझे खाने पीने का बहुत शौक था, अरे कुछ भी आइसक्रीम आता है, अभी आधा ही मिलता है बिकॉज सैलरी तो इतनी थी। सो यू कीप पिकिंग दिस क्यूज, और उसके ऊपर पापा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग मी हू आई एम। मेरा पर्सनैलिटी ज़्यादातर पापा टाइप का है, लेकिन पापा के साथ हमेशा झगड़ा, क्योंकि इस सब को करके भी मम्मी को तौलिया और कपड़े रखने हैं पापा के ऑफिस बने बेड के ऊपर, और नहीं रखे तो वो चिल्लाएं। मैं 6 साल के उम्र में भी, मुझे याद है, कान के नीचे खाती थी बहुत कुछ ऐसे से, मम्मी क्यों करें, आप अपना तौलिया खुद लीजिए ना, वो कुक भी कर रही हैं, ये भी कर रही है, मम्मी क्यों तौलिया रखें, हिम्मत ठक। तो माई ग्रैंड मदर एंड मैंने, होता है ना वो कंडीशनिंग होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने कोई एकेडमिक नारीवादी वो फेमिनिज्म वाले बुक्स नहीं पढ़े, मुझे कोई फर्स्ट वेव सेकंड वेव इसका कुछ आइडिया ही नहीं है। फर्स्ट हैंड सीखा है यस आपका हो गया सवाल, यू हैव सम क्वेश्चन? हाँ जी बताइए फटाक से। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओवरवेल्म्ड, मैम बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है ना। आपका स्टाइल स्टेटमेंट की बात हो रही, तो मैम बहुत एथलेटिक है आपका स्टाइल स्टेटमेंट। सो बीइंग अ स्पोर्ट्स टीम मेंबर आई वुड आस्क कि मैम आपको स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो आपको पसंद हो? आई वाज अ हॉर्स राइडर and a very good one. Okay. I could play polo. You were. You don't. I बीच-बीच में गई हूँ pandemic में, लेकिन I have had more than 9 injuries in this right. तो I am saving up now my limbs for the stage. तो मैंने कहा पोलो भी खेलते थे? हाँ, टेंट पेगिंग करती थी, रिपब्लिक डे तक आई हूँ। और इनफैक्ट जब मैं कॉलेज के टाइम में वहाँ पे एनसीसी में घोड़े थे उड़ीसा में, तो ज्वाइन किया था केसी को बताए बिना। अर्ली मॉर्निंग जाती थी एंड आई वॉज ओनली वुमन हु वॉज डूइंग दैट हॉर्स राइडिंग। तो अपने पॉकेट में एक ना वो एप्पल जो काटने के लिए मम्मी देती है ना हॉस्टल में चूरी, वहाँ पे डाल के जाती थी। एंड वंस इन अ वाइल कि कोई आएगा तो यू नो, यू ऑलवेज थिंकिंग कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो वो एक वायलेंस जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना, कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं भूल जाती थी, वो पॉकेट में ही रह जाता था, और घोड़े से ही गिर जाओ तो वो छुरी आप खुद को ही मार दो अंदर। सो अभी हॉर्स राइडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सिलरेटिंग स्पोर्ट्स। मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि वो क्या एनर्जी रहती है, वो एक प्राइमल एनर्जी घोड़े की। उसको छोड़ के आई स्विम, आई एम टेरिबल एट, और मैं इतनी लंबी हूँ कि मुझे हमेशा कॉलेज स्कूल टीम में बास्केटबॉल हर जगह घुसा देते थे, बट ये नहीं पता था उनको फ्लैट फुटेड, नॉक नीड, ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। लेकिन लंबी है, यू नो व्हाट इज़ दैट वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि चल के जाएंगे तो हो रही है, इतने इतने बड़े बड़े आए हैं तो ऐसे देख के ही टीम सामने वाली थोड़ा सा पस्त महसूस करने लगेगी। yes. तो अच्छा, ये आप में से हो सकता है कुछ लोगों को दिलचस्पी हो। नॉकनी बोलते हैं जब आप खड़े होते हो और आपके ये दोनों मिक्स कर रहे हो, और फ्लैट फुट जब आपका पंजा बिल्कुल सीधा हो। आई हैव ऑलमोस्ट फ्लैट फुट, सो कंप्लीट फ्लैट फुट। यस हाँ जी मैम बहुत सारे लोगों को बचपन से शौक होता है, जैसे आपको मैम क्यों बुला रहे हो ये मुझे बताओ। मैं टोकने वाला था, फिर मैंने मैं बैकग्राउंड बताऊं मैम का मेरा क्यों हमने शुरुआत किया। मैम मोहित को पता है नॉर्थ इंडिया में आप जब टूर करना शुरू करो ना एज अ फीमेल आर्टिस्ट, मैं अपनी बार कर रही हूँ, जब आई यूज्ड टू रिफ्यूज टू टूर विद डांसर्स कि मुझे क्या ये था कि लड़कियाँ छमियाँ बनेंगी, लड़के रॉक बैंड लेके, बिकॉज वो पाकिस्तानी बैंड ने एक इम्प्रेशन जुनून वनून सब गिटार लेके खड़े हो जाएंगे। मैं पहले से ही गिटार आई वॉज विद अ बैंड, लेकिन आफ्टर ऑल आप फीमेल आर्टिस्ट ही हो। तो स्पेशली मैं ये बोल दूँ ये नॉर्थ इंडिया का स्पेशलिटी है ज़्यादातर कि दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल व्हेन इट कम्स टू वीमेन स्पेशली। और बहुत कुछ बदला है बट तब तो था कि गाड़ी के अंदर आके बैठ जाते थे, कोई अक्ल नहीं थी कि मैं जा रही हूँ होटल, होटल रूम तक आ जाएंगे। हमको बहुत बार ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोग इतने फेमिलियर हो जाते हैं ना कि ये आर्टिस्ट हैं तो हमने पैसे दिए हैं तो हमको एंटरटेन करने आई हैं तो फ्रेंड है हमारी। तो हम एक ना डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते थे कि टीम में सब मुझे अगर मैम बुलाएंगे तो ऑटोमेटिकली सबकी ज़ुबान में मैम ही आएगा और एक डिस्टेंस होगा। तो राइडर भी आता था, ओनली मर्सिडीज़, इतने गर्म पानी यहाँ पे, ओनली हनी, जितना आप मुश्किल बनाओ ना देसियों के लिए वो अरे कुछ स्टार होंगी। तो मेरा ऐसे कोई शौक नहीं था कि मैं इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स को तंग करूँ कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। बट मेन चीज़ ये था कि फ्रॉम मेरठ टू कोटा मेरा बहुत ही आई हैव हैड हॉरेबल एक्सपीरियंसेस। रात बीच में ठक ठका रहे हैं होटल्स में, हम विंडो से जंप मार के निकल के एयरपोर्ट भाग रहे हैं, कोई कहाँ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहा है डाक बंगले में आके मैंने चाय पियो। मैंने लास्ट मोमेंट शो के पहले हम क्यों आके चाय पिए हैं, हमको तो आदत है फौजी की आप फॉर्मेलिटी से पूरे टीम को बुलाओ, 2 दिन पहले इन्विटेशन दो, हम जाएंगे। तो ये सब एक मेंटेन करने के लिए हमने ये मैम वाला शुरू किया। बट आजकल मुझे बहुत वो दिक्कत होती है, सब लोग मैम मैम क्यों बोल रहे हैं, आप मत बोलो, सोना बोलो, सोना। या आपने पहले इंजीनियरिंग करा, फिर एमबीए करा, फिर जॉब किया, तो सिंगिंग का अगर बचपन से तो आपने स्टार्टिंग से ही सिंगिंग क्यों नहीं किया? स्टार्टिंग से किया, सब कुछ किया। मैं बचपन से हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही हूँ। अच्छा। मैंने विशारद की है, तो म्यूज़िक सिर्फ इमीडिएटली भाग के स्टार बनने वाली जर्नी नहीं है। और अगर आप शट अप सोना देखेंगे आपको उस सब के इन्फ्लुएंसेस नज़र आएंगे। फोक म्यूज़िक से भी लगाव हुआ क्योंकि हम इतना ट्रांसफ़र होते थे कि मुझे हर प्रांत के लैंग्वेज और उससे शौक है, मैं बहुत लैंग्वेजेस में गाती हूँ। हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा थैंक्स टू माय मदर की ट्रेनिंग फाउंडेशन हमारी जो म्यूज़िक मेन स्ट्रीम में भी है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और एक ऐसा इंडिया जैसा देश है जहाँ पर सेमी क्लासिकल क्लासिकल फॉर्म जो इंटोनेशन जो हरकतें लेते हैं हम लोग मेन स्ट्रीम। मेरा जिया लागे ना आप सुनो, ठुमरी बेस्ड गाना है, वो आप गा नहीं सकते अगर आपने ट्रेन नहीं किया हो। तो वो जो ट्रेनिंग रही है वो बचपन से रही है और मैं स्टेज पे भी बचपन से गई हूँ। फिर भी मुझे पता था कि मुझे अपनी कमाई खुद करनी है, जाके कहीं पे हाथ पैर नहीं मारना है कि ब्रेक दे दो ब्रेक दे दो। तो मैंने पहली बार जब बॉम्बे आई आई कंटिन्यूड अ जॉब कि आमदनी अपनी होनी चाहिए, गो विथ योर डिग्निटी एंड लुक फॉर वर्क। और मेरे ख्याल से वो एमबीए उसमें भी जब आपने अपना प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया वो सब चीजें, यू अंडरस्टैंड बिजनेस, यू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट, एफएनएस एंड आई डू। और ये अगर आप हाईलाइट कर दें होपफुली आपकी जो ऑडियंस है, मैंने सुना है बहुत यंग है और इंडिया इज अ यंग कंट्री, दे डोंट होल्ड दिस अगेंस्ट मी, लेकिन मेरी जो जनरेशन है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। आपकी जनरेशन तो कौन सी जनरेशन मतलब? अरे क्या तुमने आज क्यों क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, इनको दरअसल ये पिछली जनरेशन के बताया जाता है। I'm very proud to say I have crossed 40, so you are from I'm not in the 20s ना, तो ये 20s के जो है बड़े चिल्ड है, ब्रो कोड है इनका। मुबारक मुबारक, हमारे यहाँ एक 40 प्लस में से मुबारक है एक्चुअली। और कोई है क्या? ये हमारा चलता रहता है, खैर ये दिख चुका लोग है। हाँ, मेरा एक सवाल है। नाइस कुर्ता बाय द वे, थैंक यू। जीशा एंड मेघना गिफ्टेड। ओह नाइस कुर्ता। हाँ, मेरा सवाल है सुना आपसे कि मुखर होने की आपने कीमत चुकाई है, बट जनरली होता क्या है ना, आपको सज़ा दी जाती है पर आपको बताया नहीं जाता कि आपको सज़ा दी जा रही है। जैसे भी आपने बताया कि 5 साल तक आपको अगला मेन स्ट्रीम गाना मिलने में 5 साल लग गए, दैट साइलेंट क्रूएलिटी। बट क्या कभी ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरी अथॉरिटी है, मेरी पावर है और मुझे वो दिखानी भी है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बताया गया हो कि बिकॉज ऑफ दिस we are doing this, they're saying in your face ki too many and you don't even have to। बात ये है, लेकिन मुझे बार बार एक बहुत ही स्ट्रेंथ मिलता है इन अ कंट्री लाइक आर्स there are enough avenues for success. अगर आपको लगे ना, मुझे लगता है कि बहुत बॉलीवुड सिंगर्स हैं जिन्होंने, जैसे मैं बता रही हूँ, सारेगामा पा की जो रियलिटी शो में मैं जज बनी थी, आई वॉज देयर फर्स्ट जज इन 23 years. ओके, ज्यूरी में जो 40 लोग बैठते हैं, विच इज़ नॉट द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग. द प्रेस्टिजियस थिंग इज़ टू बी, आई मीन, 3 judges. आई वॉज द ओनली फीमेल जज देयर. ज्यूरी में ऐसे बहुत औरतें थीं जिन्होंने 200 गाने गाए हों बॉलीवुड में, बट आई मस्ट बी हैविंग ओनली 10 or 12. लेकिन आई हैव मेड अ मार्क विथ इट. तो मुझे हमेशा लगा है कि सक्सेस एट योर ओन टर्म्स इज ओनली सक्सेस वर्थ हैविंग टू स्टार्ट विथ. और यूनिवर्स तो रिवॉर्ड कर ही लेती है. और वैसे माइट साउंड लाइक अ क्लीशे, वो बादशाह मुझे कभी बनना भी नहीं है, नहीं बनना है. ट्राइट लिरिक्स, आप रैपर हो नहीं, रैपर डिवाइन कहलाएगा. तो मुझे लगा अपने वर्ल्ड में आप, एंड आई हैड लॉट ऑफ एक्टिंग ऑफर्स ऑल्सो, लेट मी टेल यू, ओके, इन द बिगिनिंग. और मुझे लगा कि ऐसे क्यों लगता है, बहुत लोग इंटरव्यू लेके आते थे, आप एक्टर क्यों नहीं बनते. सबका ड्रीम एक जैसा नहीं होता है. आई फील इंडिया में म्यूजिशियंस के लिए बहुत प्यार है. एंड इनफैक्ट अभी भी किशोर कुमार के गाने हॉस्टल्स में बजते हैं, एक्टर्स आते जाते हैं, यू नो, दे कम एंड गो, दे हैव अ शेल्फ लाइफ. सिंगर्स इटर्नल रहते हैं. तो मुझे लगता है ये जो कास्ट सिस्टम है, सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड्स में है कि मुझे नॉमिनेशन मिला है, लेकिन मुझे 20th, 40th सीट में बैठाया गया है. लेकिन सम स्टारलेट हु इज़ एन एक्टर, जिन्होंने शायद 2 भी रिलीज़ नहीं किया हो, उसको फ्रंट रो में बैठा है. एंड आई एम द टाइप, राम और मुझ में ये फ़र्क है कि राम बोलेगा लेट इट बी, लेट्स नॉट कम हियर नेक्स्ट टाइम. मैं बोलूँगी उसको उठा के ही रहूँगी, मैं ही आगे बैठूँगी, मैं नॉमिनेशन में हूँ, एंड आई एम द फर्स्ट लीग इन माई वर्ल्ड. मुझे कोई ये कास्ट सिस्टम नहीं में बैठा सकता कि समहाउ एक्टर्स हैं, आप सिंगर हो. और हमारे सिंगर लोग भी गिड़गिड़ा रहे हैं, रणवीर जी आपकी फिल्म में मुझे गाना मिल जाए तो मैं बहुत, ऐसे क्यों हो रहा है भाई, ऐसे होता है. हाँ, मैंने कहा ऐसे क्यों हो रहा है, तो अंकित तिवारी है, तुझे बहुत बड़े हिट हो चुके हैं, तो ऐसे क्यों. और रणबीर कपूर बेचारा, ही इज़ अ कूल गाय, वो जैसे शर्मा रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है. हम स्टेज में देख रहे हैं, मैंने कहा हमारी बिरादरी को क्या हो गया, ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं. Why is Arijit Singh sorry to Salman? He is a bigger star in my eyes and will remain for a long time. वो क्यों जाके Facebook में बोल रहे हैं माफ़ कर दो मैंने आपका दिल दुखाया. मुझे मैं क्या हो रहा है. It's something to do with our. This is not a disrespect to his art and his craft. मैं अपनी इज़्ज़त की बात कर रही हूँ, और सेल्फ एस्टीम की बात कर रही हूँ. एक कम्युनिटी का सेल्फ एस्टीम होता है. तो मुझे लगा कि मुझे ना वो कास्ट सिस्टम में रहना ही नहीं है. मुझे आपको अगर लग रहा है ये है फिर ये हैं, कवर में आप सिर्फ इनको चढ़ाओगे. इंग्लिश मीडिया तो अंग्रेज़ी एक्सेंट में जो गाता है, LA से आया, उसको ही चढ़ाएगा. और यहाँ KK को किसी ने कवर पे नहीं चढ़ाया, यू नो. बट अगर आप कहीं बाहर से कुछ वो लेके आओ ना, एक एक्सेंट में गाओ, इंग्लिश गा रहे हो, तो वो आपको GQ, VQ का मैन बना देंगे, फ्रंट में डाल देंगे. तो मुझे लगता है कि दिस सेंस ऑफ लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम इज़, दिस इज़ द डीरेसिनेशन विच वी शुड वरी अबाउट. इंक्लूडिंग कि मेरी जो नीस है अभी मेलबर्न में पढ़ रही है, लेकिन बिफोर शी लेफ्ट देयर वो बोलती थी कि ये मासी ना देसी पॉप स्टार है, वो न्यूयॉर्क में अगर ट्रेंच कोट पहन के चले तो कूल है, लेकिन पता नहीं बिंदी बिंदी लगा के नॉट कूल इनफ. लेकिन 12 बजे के बाद उसी के पार्टी में वो रांटी तेलुगु गाने पे ही नाचती है, हैदराबाद की है. बट ये क्यों है कि वो सिर्फ दिवाली के टाइम में घाघरा चोली पहने, इट्स बिकम अ कॉस्ट्यूम. सो इन वन सर्किट, हमारे सर्कल्स में इसने इतनी सुंदर सलवार कमीज, आई मीन जीन्स के साथ पहनी है, बट दैट फ्यूजन इज, कुर्ता तो पहना है. और दिल्ली में ये देखने को तो मिलता है, बॉम्बे में दैट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी. एंड वी आर द ओनली कल्चर जहाँ पे अभी भी सलवार कमीज और साड़ी कॉस्ट्यूम नहीं बना है. आपको उड़ीसा जाओ तो इक्कत हैंडलूम हर जगह आपको मार्केट प्लेस में नजर आएगा. इट्स सो ब्यूटिफुल, बड़े बड़े पसापल्ली, ये पल्ली. सो समवेयर I feel odd saying this because today I haven't worn that. But ठीक है, we mix it up क्योंकि हम अंग्रेजी में भी बात करते हैं, वो हमारा ही लैंग्वेज हो गया है. But to forget our roots. मैं, अगर आप लोगों ने पता नहीं, मैं आजकल कोरियन ड्रामा बहुत देख रही हूँ. यहाँ पे कोई देख रहा है? रोमांस बहुत सही है, ड्रामा एंड K-pop both. हाँ, K-pop is terrible. Korean dramas I पता नहीं क्या है वो K-pop. ये दोनों रेज हैं इस टाइम, मतलब वो BTS कौन है, सब एक दूसरे की तरह दिखते हैं. दिखता है भाई कौन है ये, डिसबैंड कर रहे हैं हम, इसका क्यों चिंता कर रहे हैं. BTS फैन आपसे नाराज होने वाले, लेकिन होने वाले हो जाए, बट बहुत हों. बट ऑल आई एम सेइंग इज हमारा क्यों नहीं बीटीएस बन रहा है? मुझे बीटीएस से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हमारा क्यों म्यूजिकल इकोसिस्टम नहीं है? हमारी सेल्फ इस्टीम को क्या हो गया है कि हम बोलते हैं कि एक्टर का गाना, एक्टर ने गाने में क्या किया है वो तो मुंह हिला के भी आजकल ठीक से लिप सिंक नहीं करता है। हाँ आपने देखा वो मेरा एक गाना है सही, यहाँ आ कर रही हूँ वो जैकलिन फर्नांडिस लिपस्टिक का चिंता में ऐसे करके आ कर आ तो कर आ गाए मैंने, और वो ऐसे गाउन पहन के उतर रही है स्टेयरकेस से और मुंह खोल भी नहीं लिप सिंक में। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फनी, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। लिप सिंक एक क्राफ्ट होता था, हमारे जो एक्टर्स होते थे वो सीख के आते थे गाने। अभी किसी को एक पेपर साइड में लगाना है और दो लाइन पढ़ना है, रटना नहीं है। यू आर समवेयर कॉम्प्रोमाइजिंग योर क्राफ्ट एंड एज अ रिजल्ट वो जो इट इज़ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज़ देयर फॉर सफरिंग, क्योंकि अभी जो है ना वो शीन तो निकल चुका है, क्योंकि अगर बॉलीवुड ही बॉलीवुड ठीक से कर नहीं पा रहा है। हमारा जो एक डांस नाच गाने का वो था, फिल्म नैरेटिव, फैमिली, रिलेशनशिप्स, सो मिक्सड अप कि सन्स ऑफ द सॉइल स्टोरीज, दैट विच इज़ वाई साउथ इंडिया आके अभी नाच रहे हैं हम पे, यू नो। सोनल फटाक से चलो। हाय सोना, आई एम सोनल। मेरा एक क्विक यहाँ पे पॉज ले रहा था क्या? ये काफी ऐसे वेल क्यूरेटेड सी लाइन, हाय सोना आई एम सोनल। मेरा सवाल ये है कि लोग जब आपका ओरी चिरैया सुनते, आई हैव सीन अ मैन इन माई लाइफ जो कभी मेरे बॉस थे, उन्होंने कहा था कि ओरी चिरैया जो गाना है कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन जैसे ही सोना मुंह खोलती है ना वो पॉलिटिकली या फिर ओवर फेमिनाजी हो जाती है, ओवर फेमिनिज्म की बात करती है। ये इनके पिछले बॉस ने कहा होगा मैं ये सब बातें नहीं करता हूँ, प्लीज थोड़ा बोल दिया करो भाई। हाँ मेरे बॉस ने कहा पहले जो थे, तो वहाँ से मैंने सीखा, वहाँ से मैंने उस बात को पकड़ा था कि पीपल वांट फेमिनिज्म इन देयर लाइफ। वो चाहते हैं कि बेटियों की इज्जत हो, बेटियाँ बेचारी चिड़िया सी, कोमल सी, प्यारी सी, उस बारे में गाने बने बात हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। वो भी आपका अभी तो सबसे रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में वीमेन हैव लॉस्ट देयर राइट्स ऑन देयर बॉडीज ऑन देयर। हाँ तो मैं क्या बताऊँ कि आप हमको बाउंड्री बताएंगे किस हद तक हम अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकें। सो ये तो मैंने बहुत देखा है कि तू गाना गाना, इसलिए तो फिल्म नेम इज शट अप सोना फॉर अ रीज़न। गाने पे ध्यान देना, क्यों इतना बकबक करती है, कला में कितनी सुंदर हो। हाँ हाँ, और आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि फॉर मेनी ईयर्स मेरा ये थियोरी था, और अगेन अनपॉपुलर थियोरी होगा फॉर यू नो, कि ये जो हाई पिच्ड फीमेल वॉइसेस थी वो सबसे पॉपुलर थी, बिल्कुल स्वीट, बिल्कुल सैचुरिन, हाई पिच्ड, और गाने भी इतने हाई पिच के बनाए कि औरतों को उसी पिच में गाना पड़ रहा है, ये नहीं कि कोई लो पिच के। मेरा ये थियरी था कि लार्जली हमारे सोसाइटी में जब औरत ना चीखती हुई बर्ड कॉट इन द बुशेस वेटिंग टू बी रेस्क्यूड, हम इसको बचा सकते हैं, हम कितने मैचो हैं, वो फीलिंग हमारे कंट्री को अच्छा लगता है कि वेमेन हैव टू बी अ सर्टन वे फॉर देम टू बी पैलेटेबल इन एवरी वे। तो एक आप उसमें फिट हो जाओ तो हम आपको बहुत हीरो बना देंगे। मुझे जब कोई बोलता है ना वो नेहा कक्कड़, तो आई सेड भाई हाँ कैट डॉग ही, आई लाइक क्यूट, आई लुक लाइक आई एम ओनली सेड्यूसिंग यू और ग्रोनिंग ऑल द टाइम। ग्रेट, यू वर्क वेरी हार्ड बट दैट इज़ नॉट द ओनली टाइप ऑफ वुमन इन द वर्ल्ड। इट्स वेरी गुड, आप हो एक टाइप के, हर टाइप का फीमेल शुड बी एक्सेप्टेबल, या ऑल कलर शुड बी एक्सेप्टेबल बिकॉज पर्सनैलिटी एंड वुमन, नॉट लीडर, सम नास्टी वर्ड। पर्सनैलिटी विथ मैन, लीडरशिप क्वालिटी बहुत है, ये बहुत, ये तो लीड करेगा आगे जाके, सही है। सो वो जो एहसास मुझे एक्चुअली बचपन पे कभी नहीं हुआ। आई वॉज दिस बुलडोजर हुआ सिंह, अरे अरे मैं तो हर चीज़ में टॉप कर रही हूँ, इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, 4 बजे उठ के पढ़ाई भी कर लेती हूँ, घोड़ा भी चला लेती हूँ, टेनिस भी खेलती हूँ, आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड जस्ट ओन द वर्ल्ड। इनफैक्ट मेरे 8th स्टैंडर्ड में जो कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, केंद्रीय विद्यालय की मैं स्टूडेंट हूँ, तो हर वीक में आइदर संस्कृत रेसिटेशन, दैट ईयर आउट ऑफ द ऑल द कॉम्पिटिशन्स 3 को छोड़ के संस्कृत रेसिटेशन में कुछ सेकेंड आई, आई वन एवरीथिंग। नेक्स्ट ईयर द पेरेंट्स केम एंड चेंज द रूल्स कि कोई भी इंडिविजुअल 3 कॉम्पिटिशन से ज़्यादा पार्टी नहीं ले सकता। और मुझे याद है आई वेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड सेड आप रियल वर्ल्ड में करोगे क्या, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डालोगे, मैं तो जाके सब जीत जाऊँगी, ये मेरा माइंडसेट था। लेकिन मैंने एंटर्ड द रियल वर्ल्ड, आई से रियल वर्ल्ड विल फाइंड अ वे टू स्टॉप मी ऑल्सो, यू नो। एंड आई से दिस वो रियलिटी बहुत लेट आया दिमाग में कि Everywhere they are there to stop you. Even in reality shows, आप अगर काम करके जाओ, आप anecdotes लेके जाओ, आप हिस्ट्री जोग्राफी समझ के जाओ अपने इंडस्ट्री का, आप कोट करो कि कहाँ से फोक सॉन्ग आया, क्या आया है, आपके दो जजेस जो बगल में बैठे हैं उनको लगेगा कि हम तो मॉर्निंग से वोडका पीना चाहते हैं पानी के बॉटल में डाल के, ये इतना क्यों फुतक रही है, उसको रख देते हैं, निकाल देते हैं. दैट इज़ एक्चुअली द रियल वर्ल्ड. तो समवेयर मैं अभी भी आई वेकअप एवरी डे लाइक अ 3-year-old, वेरी एक्साइटेड, फिल्म बनाना है, बना दूंगी. और अब तो आई कैन फ्लॉन्ट इट, बट द रियल वर्ल्ड इज पर बदल रहे हैं ना हम लोग उस रियल वर्ल्ड को. हाँ, वन स्टेप वन ठोकर एट अ टाइम, एट अ टाइम. तो ये भी सुकून रहेगा कि हमने अपने हिस्से की फाइट मारी. ब्लेम इट ऑन माय हार्मोन्स. हाँ, मुझे जितनी भी पिटाई हो, मैं आंख से एक आंसू नहीं निकाले. मैं एडल्ट्स टेक दैट परवर्स प्लेजर. ये रोती नहीं है कभी, ये अपॉलोजाइज नहीं करेगी. लेट्स थ्रैशर. और मेरा ये रहता था अंकल को, आप कितना भी दवा हाथ को, मुझे दर्द नहीं होगा, बिकॉज आई हैव टू शो की यू नो. एंड माई लाल परी मस्तानी शो मैंने खुद ही अपना वो कैप्शन बनाते, नारी पड़ेगी भारी और समथिंग, पता नहीं उसको लेके किसी ने गाना भी अभी बना दिया है. बट या दिस इज वियर्ड. लेट्स ब्लेम इट ऑन द हार्मोन्स. नो, लेट्स नॉट ब्लेम इट ऑन द हार्मोन्स. जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि हर तरह की चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए टोटलिटी में, तो ये भी तो हमारे पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर ड्रिवन बाय इमोशंस. नो, फॉर मी इट्स अ बिग वैलिडेशन. आई हैव कम बैक to launch the film on ZEE5. One is it's a very Indian brand, homemade, homegrown brand. Expectations सबके थे कि ये बहुत ही अल्ट्रा लिबरल प्लेटफॉर्म, माने Netflix या पता नहीं कहाँ जाएंगी. But I think I found the right home for my film, क्योंकि for whatever it is worth, desi is cool. That's what I stand for. Yes. Yeah. Original. हाँ जी. मेरे दो सवाल हैं सोना. एक तो आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में महिलाओं को कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है. मैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल कर रहा हूँ कि हर साल रियलिटी शोज़ होते हैं इंडिया में बहुत सारे सिंगर्स के लिए. उसमें 10-15 सिंगर्स, मतलब कुछ अच्छे सिंगर्स चुनकर आते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद ही मतलब वो गायब हो जाते हैं सीन से ही पूरे. क्या ये इंडस्ट्री की लॉबी है इस तरह की, मतलब इज़ इट मोर अबाउट ड्रामा then music or how's it? Reality shows are not even worth talking about. Thankfully उनके TRPs भी शायद अभी आ नहीं रहे हैं, पता नहीं 1-2 के आ रहे हैं for all the drama. Obviously काफी घटे भी हैं नंबर, है ना. It's from a dinosaur era. मर जाना चाहिए उसे, because तोते, I mean उसमें बहुत talented लोग भी आते हैं तोते, but you parrot a song. हाँ. ये नहीं कि we are encouraging any. आप songwriter हो, आपने अपना गाना बनाया है, सुनाओ. There is no space for original creativity. पॉपुलर गाना है, रट के आ जाओ अच्छे से और 4 बारीक तान बना दो और ओ क्या टैलेंटेड है भाई इंडिया. मुझे दिख रहा है तू मुंबई जाएगा. हाँ, तू जाएगा. और जितना गरीब है, हाय, becomes a good story to sell. Is it a good story? It's so depressing for the current India. For them it becomes a good story. आप reels देखो, लोग people are full of spunk man from all backgrounds. People are like killing it. और यहाँ पे मैं एक ऐसे लड़का आया था, मैं ना अकेले ही आया हूँ और मेरे पापा रिक्शा ड्राइव करते हैं वहाँ पे और मैं अकेले आया हूँ. वो बार बार उसको बेचारा को शायद बोला ही गया था कि अकेले आया. आई फाइनली ना, आई वॉज सपोज टू बी दिस नर्चरिंग नारी जो डब्बा लेके आती है. हाँ, क्योंकि मेरा ये रोल था. लेकिन मैंने उससे पूछा कितने साल का है भाई तू. 24 years old. आई सर अकेले क्यों नहीं आ सकता है, क्या तुझे कोई कहा जा रहा है बॉम्बे में. ये तो ऑब्वियसली एडिट में निकल गया. यू कैन नॉट कम अक्रॉस लाइक दिस. आई सेड ऑफ कोर्स आई कैन, यूज इट योर एडवांटेज. रियलिटी शो है, उसको मसाला डालो कि औरत पता नहीं कैसी है. आई डोंट माइंड बीइंग डेमोनाइज्ड, बट आप उसको क्यों कटवा रहे हो भाई. वो क्यों रो रहा है, बिलक रहा है. मैं 24 years का अकेला आया हूँ. मैं क्यों नहीं, हम तो गए थे 21 में ही, भाग रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज, अकेले ट्रंक लेके गए थे पेंट करके. ओरिएंटेशन खुद ही किया था, रैगिंग खुद ही सही थी. आई वॉज मेड टू स्टैंड ऑन अ टेबल इन माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास. जब कॉलेज बंद हो गया, सबको निकाल दिया और लड़कों ने मिल के पहले बोला 10 lines बोलो अबाउट द रोज. दिस इज डिजिटल मीडियम, नो सेंसरशिप ना. यस यस, गो इट. 10 sentences अबाउट द रोज. सो आप क्या बोलोगे. एक तो एम्बेरस हो, आपको ऊपर खड़ा है, इतने लड़के खड़े हुए हैं, देखे हुए हैं, अपने जितनी लड़कियां क्लासमेट्स हैं उनको भिजवा दिया है. तो आई थॉट और मैं अंदर से सोचूँ मैं सिंगर हूँ. रैगिंग में अगर आप सिंगर हो, आप निकल जाते हो. गाना गा लो, सब लोग ऐसे महक जाते हैं। आवाज़ सुन के किसको लगता नहीं था कि मैं गाना गा सकती हूँ, इतनी खराश वाली आवाज़ है। सो नोबडी इमेजिन्स आई कैन सिंग 10 sentences ऑन अ रोड, अ रोज इज रेड, एक्स वाई जेड। मैंने 10 sentence बड़े इंटेलिजेंटली बोल दिए। Then they said, now they are very simple sentences. Replace the rose with my breasts, and until you say it, you will not leave the room. और ये ragging boys ले रहे थे। और वो लड़का जो leader था उन ragging में, वो City Bank का बहुत ही एक senior वो निकला। कुछ सालों पहले मुझे एक मैं perform करने गई थी एक corporate show में। वो आँखों से आँखें मिला नहीं पा रहा था, but he was a senior guy. And I mean, in all of that, I was not in any emotional state. I said, "आपको शर्म आ रही है ना? Somewhere you have traveled the world, you have realized what an idiot you were. I am where I am. I am on." और ये आपने ये बहुत अच्छा किया कि उसको बोल दिया। ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है। कभी-कभी होता है। और उसमें लाइक ये लड़की हमेशा करती रहती है। मैंने कहा भाई करना ज़रूरी है, बिकॉज ये IIT-YIT की भी स्टोरी जो मैंने कही ना, NH7 में अभी 4% रिप्रेजेंटेशन से 12% तक आया है। आई विल टेक फुल क्रेडिट कि हर साल 7 साल मैंने स्टेटिस्टिक्स डाले। वो मुझे नहीं बुलाएंगे, आई एम द विसल ब्लोअर, आई एम द ट्रबल मेकर। मूड इंडिगो ने अगले साल कुछ फीमेल कॉमेडियन को बुलाया एटलीस्ट, तो कुछ एहसास तो करवाया मैंने। ओके, एंड समवेयर मेरा एक बचपना भी है। आई फील अगर मैं भी कभी कभी गलतियाँ करके लोगों को सॉरी बोल के गले मिल सकती हूँ, क्योंकि करती हूँ बहुत गलतियाँ, ये भी करेंगे, इनको भी करना चाहिए ना। इनका क्या इतना ईगो है? ऑल दे हैव टू से इज आप नहीं होते तो हमको एहसास ही नहीं होता। नाउ वी गेट मोर वीमेन एंड वी हैव मोर फन। सो आई कीप होपिंग, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, कि ये साल तो बुलाएंगे और बोलेंगे कि आपको अकेले आना है। बिंदास। हाँ जी, टाइम अप। हाँ जल्दी आओ, फटाक से आ जाओ। Yeah, but you stop it. If they ask me, I will answer. मैम पहले तो बहुत मैम नहीं सोना बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा सिंगल्स को। आपने एक बहुत जाने जाने एक सलाह दी सोलो ट्रैवलिंग की। बहुत एक सेकंड भाई, तूने दो चीज़ें मिला दी हैं जी। मैं सिंगल नहीं हूँ पर मैं भी सोलो ट्रैवल पे जा सकता हूँ। नहीं, सिंगल्स के लिए जो सिंगल्स हैं वो पकड़ ले रहे हैं सर, कैच करना ना सर, फ्रीक्वेंसी समझिए। नहीं मैंने इनको भी बोला था, बीवी हो जो हो छोड़ के आप निकलो, लेकिन फिल्टर्ड हो के जब सिंगल्स के पास पहुंचे। वो देखो पीछे अमित बैठा हुआ है, ही इज नॉट सिंगल और ये बहुत बड़ा सोलो ट्रैवलर है। मतलब ये अपनी बाइक से गाड़ी से इतने पहाड़ नाप चुका है। सर मैं भी इसमें तेरा सिंगल होना। हाँ, नासा के साइंटिस्ट थी। एक सवाल ये था कि आपके लिए लास्ट सवाल है कि आपके गाने जो हैं उनको चूज करते समय आप किन चीज का ध्यान रखती हैं? सब पैरामीटर, कोई लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, हमिंग म्यूजिक आ रहा है, कुछ मैसेज के चक्कर लगाता है, कभी बेदर्दी राजा हो जाता है आपके गाने में कैरेक्टर, तो क्या ध्यान रखते हैं? कैरेक्टर का क्या ध्यान? सोल होना चाहिए और देसी होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सोल, आई फील सोल इज समथिंग विच यू कांट एक्सप्लेन, आप वर्ड्स में नहीं डाल सकते। एट द सेम टाइम अभी मैं अपने वीडियोज भी खुद ही बनाती हूँ, तो जैसे लास्ट जब नूर मैंने रिलीज किया था, लेह लद्दाख में मैंने बाइक चलाई थी, तब मेरा कंधा भी फटा हुआ था, लड़के को पीछे बैठा था। रोमांटिक फॉर अ चेंज, हाँ, फॉलिंग इन लव, इन बेड, डूइंग ऑल थिंग्स ग्लैमरस। वो लोगों को लगता है कि पता नहीं ट्विटर में क्या बोलते हैं, आई एम वेरी रोमांटिक एक्चुअली। तो ये मैंने एक बहुत बॉय गर्ल टाइप का बनाया था, लेकिन वहाँ पे बॉम्बे के 1-2 पार्टी जब हुई थी सेलिब्रेशन वाली, मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आज मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया। ऐसा क्यों? वो बोल रही है बाइक चला रही है, ठीक है, लड़के को पीछे बैठाने की क्या ज़रूरत है? इसको हमेशा लड़कों को नीचे दिखाने वाली वो रहती है। मैंने कहा भी क्या बोलूँ, ये बॉम्बे का लड़का है, ये नहीं कि वो कोई इंटीरियर का लड़का ये बोल रहा है। तो दीज आर थिंग्स एवरी डे यू जस्ट हैं, लेट्स गेट ड्रंक एंड डांस, बिकॉज आई डोंट हैव एनी रिप्लाई फॉर दिस। सो ऑलराइट, ऑन दैट नोट विल। हाँ जी, देखिए मैंने आपके बिल्कुल वक्त की पाबंदी। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में सोना महापात्रा, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ एज अ टीम लीडर कि मेरा न्यूज़ रूम, खासतौर पर न्यूज़ रूम की लड़कियाँ कितनी एनर्जाइज फील कर रही हैं, और लड़के भी, कम ऑन गाइस, लड़कास टू। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से कई लड़कियों को और लड़कों को भी इंस्पायर करती रहें और आपकी बेबाकी और भी धारदार रहे। Thank you so much. Thank you. It was a pleasure. And Shut Up Sona on the 1st of July on ZEE5. I read every comment. So I will look out for all of you and just say that we met or whatever. I will look out for your feedback also. Thank you. देखते रहिए ललन टॉप. Thank you. Such a pleasure. Such a pleasure.